न जाने इस दुनिया में रोज कितनी ही पेंटिंग्स बनती हैं, मगर इनमें से चंद पेंटिंग्स ही ऐसी होती हैं जो लोगों में मशहूर हो पाती हैं। ऐसी एक मशहूर पेंटिंग जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा बार देखा गया, जिसके बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया, वो है मोना लिजा की पेंटिंग, जिसे लीजा जियोकोंडो भी कहते हैं। यकीनन इस पेंटिंग को आपने अपने स्कूल के दिनों में हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में ज़रूर देखा होगा, मगर क्या आप जानते हैं इस पेंटिंग की असल हकीकत क्या है? इस पेंटिंग में ये औरत कौन है? ये पेंटिंग कब और कहाँ बनी, या फिर इसे किसने बनाया? आइए मैं आपको बताता हूँ। इस पेंटिंग को इटली के एक मशहूर पेंटर लियोनार्डो डाविंसी ने बनाया। इस पेंटिंग को एग्जैक्टली कब बनाया गया, इसके बारे में यकीनी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर कुछ लोगों की माने तो इसे 1503 से 1506 के दरमियान बनाया गया, जबकि कुछ का कहना है कि लियोनार्डो ने इसे 1517 में बनाया। और हाल में ये बात भी सामने आई कि इस पेंटिंग को 1513 के बाद बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि मोनालिजा की ये पेंटिंग दुनिया की सबसे कीमती और महंगी पेंटिंग्स में से एक है? 1962 में इस पेंटिंग का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे महंगी इंश्योरेंस वाली पेंटिंग के तौर पर दर्ज किया गया था, जिसकी कीमत तकरीबन 100 मिलियन डॉलर के करीब थी, जो आज के लगभग 800 मिलियन डॉलर यानी 800 मिलियन डॉलर के बराबर है। इस पेंटिंग में मौजूद इस औरत का नाम लीजा गिराडिनी है, जिसका ताल्लुक इटली के एक शहर फ्लोरेंस से था। दरअसल ये औरत फ्लोरेंस के मशहूर सिल्क ट्रेडर फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की बीवी थी। इस पेंटिंग को मोनालिजा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेंटिंग लियोनार्डो ने लीजा के पति फ्रांसिस्को के कहने पर बनाई थी, जिसका मतलब माई लेडी लीजा होता है। कहते हैं कि इस पेंटिंग को फ्रांस के राजा फ्रांसिस वन ने 1797 में खरीद लिया था, जिसके बाद से ये पेंटिंग फ्रांस के लूर म्यूजियम में मौजूद है। मगर क्या आप जानते हैं एक बार इस पेंटिंग को इटली के रहने वाले एक आदमी विंसेंजो ने चोरी कर लिया था। दरअसल ये आदमी लूर म्यूजियम का ही एक एम्प्लॉय था। 21 अगस्त 1911 को विंसेंजो काम के बाद घर न जाकर म्यूजियम के एक स्टोर रूम में रात को छुप गया, और अगली सुबह ये मोनालिजा की पेंटिंग को अपने कोट में छुपाकर म्यूजियम से निकल गया। विंसेंजो दरअसल इटली का रहने वाला था। चूंकि मोनालिजा की ये पेंटिंग इटली में बनी थी, उसमें मौजूद औरत लीजा और यहाँ तक कि इसको बनाने वाला मशहूर पेंटर लियोनार्डो भी इटली का रहने वाला था, इसलिए विंसेंजो ये चाहता था कि ये पेंटिंग इटली में ही रहे, और इसीलिए उसने इस पेंटिंग को चोरी भी किया था। तकरीबन 2 साल तक इस पेंटिंग को अपने अपार्टमेंट में छुपाए रखने के बाद विंसेंजो इस पेंटिंग को इटली ले गया, जहां उसने इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश भी की। विंसेंजो जिसे ये पेंटिंग बेचना चाहता था, उसने पुलिस को खबर कर दी, जिसके बाद विंसेंजो को 6 महीने की सजा हुई, और बाद में उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं यह मानकर उसे आज़ाद कर दिया गया। इस तरह एक बार फिर ये पेंटिंग फ्रांस के लूर म्यूजियम पहुंची। मोनालिजा इस पेंटिंग को चोरी के अलावा और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि 30 दिसंबर 1956 के दिन बोलिवियन नाम के एक शख्स ने लूर म्यूजियम में इस पेंटिंग पर एक पत्थर दे मारा। खुशकिस्मती से इसमें लगे ग्लास ने इस पेंटिंग को बचा लिया। अप्रैल 1974 में इस पेंटिंग को टोक्यो नेशनल म्यूजियम के डिस्प्ले में रखा गया, जहां इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। म्यूजियम में डिजेबल पीपल को एंट्री नहीं दी गई, जिसका गुस्सा एक औरत ने इस पेंटिंग पर रेड पेंट स्प्रे करके निकालने की कोशिश की। इतना ही नहीं, जब ये पेंटिंग दोबारा लूर म्यूजियम में पहुंची तो एक रशियन औरत ने फ्रांस की सिटीजनशिप ना मिलने का गुस्सा भी इस पेंटिंग पर एक सिरामिक टी कप फेंक कर निकाला, जो कि उसने लूर म्यूजियम से ही खरीदा था। खुशकिस्मती से बुलेट प्रूफ ग्लास के सबब ये पेंटिंग इन दोनों ही मामलों में सेफ रही। कहते हैं कि तकरीबन 500 साल पुरानी इस पेंटिंग में मौजूद इस औरत की मुस्कुराहट से कई लोगों को इश्क भी हो चुका है, जिनमें सबसे मशहूर नाम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बने फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट का है, जिसने इस पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगा रखा था और घंटों इस पेंटिंग को देखा करता था। कहा जाता है कि इस पेंटिंग के इश्क में मुब्तिला एक शख्स ने तो एक होटल के 4थे फ्लोर से कूदकर अपनी जान तक दे दी थी। इसकी सुसाइडल नोट में इसने लिखा था कि इस पेंटिंग में मौजूद इस औरत की मुस्कुराहट से उसे बेपनाह इश्क हो गया है, मगर चूंकि यह औरत इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए अब वो भी जिंदा नहीं रहना चाहता। इस पेंटिंग में मौजूद इस औरत लीजा की मुस्कुराहट के बारे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद लीजा की शादी फ्रांसिस्को से जबरदस्ती कराई गई थी, जिससे वो खुश नहीं थी, इसलिए इस पेंटिंग में उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक उदासी भी नजर आती है। इस पेंटिंग के बारे में एक और बात जो बहुत मशहूर है वो ये है कि आप इसे जिस मूड में देखेंगे ये आपको वैसी ही नजर आएगी,
यानी अगर आप इसे खुशी की हालत में देखेंगे तो ये पेंटिंग आपको मुस्कुराती, और अगर गम की हालत में देखेंगे तो ये आपको उदास नजर आएगी। इस पेंटिंग के बारे में एक और दिलचस्प बात ये भी है कि इस पेंटिंग में लीजा के दोनों आईब्रोज मौजूद नहीं हैं, जिसके बारे में कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये उस दौर में अमीर लोगों का फैशन हुआ करता था और वो लोग अपनी आईब्रोज नहीं रखते थे। जबकि 2007 में एक फ्रेंच इंजीनियर पास्कल ने जब इस पेंटिंग का अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन स्कैन किया तो इसमें मोनालिजा के आईब्रोज होने का सबूत मिला, जो शायद वक्त और इस पेंटिंग की ओवर क्लीनिंग की वजह से मिट गए थे। आज ये पेंटिंग फ्रांस के लोअर म्यूजियम में एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखी गई है। इस म्यूजियम में इस पेंटिंग को एक स्पेशल कमरे में बहुत ही सख्त सिक्योरिटी के बीच रखा गया है, ताकि फिर से कोई इस पेंटिंग को चुराने की कोशिश ना कर सके। तकरीबन 6 मिलियन यानी 6 मिलियन लोग इस पेंटिंग को देखने हर साल लूर म्यूजियम आते हैं। 2014 में तो लगभग 9.3 मिलियन लोगों ने लूर म्यूजियम का रुख किया। इस म्यूजियम के पुराने डायरेक्टर हेनरी का कहना है कि लगभग 80% लोग इस म्यूजियम में सिर्फ मोनालिजा की पेंटिंग देखने के लिए ही आते हैं। 2019 में इस पेंटिंग को देखने के लिए क्यूइंग सिस्टम यानी लाइन सिस्टम शुरू किया गया, जिसके सबब लोगों को इस पेंटिंग को देखने के लिए लगभग 30 सेकेंड का वक्त दिया जाता है, ताकि किसी को भी इस पेंटिंग को देखने के लिए ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े। आखिर में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस पेंटिंग की मौजूदा कीमत 782 मिलियन डॉलर के करीब है, मगर इसे कोई खरीद नहीं सकता क्योंकि इसे प्राइसलेस डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा इस पेंटिंग में मौजूद लीजा की मौत 15 जुलाई 1542 को फ्लोरेंस में हुई, जबकि इसे बनाने वाले मशहूर पेंटर लियोनार्डो की मौत 2 मई 1519 को फ्रांस में हुई। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मौजूद मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहे क्लासिक ट्यूटोरियल के साथ, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।